अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अजीम जाफरी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। आज कुछ डेट बताने जा रहा हूँ सितंबर के लिए, जो कि आपके लिए लकी हो सकती है। वो है 12-13 सितंबर, फिर 22, 23, 24, यानी कि 12-13, और उसके बाद 22, 23, 24 सितंबर। आपके जहन में आ रहा होगा कि दिन तो सब एक जैसे होते हैं, दिन सब एक जैसे नहीं होते। ये तो अल्लाह ताला कुरान में ये ना फरमाते कि और हमने उस कौम पे नहज दिनों में आंधी भेजी, तेज़ आंधी, गर्म आंधी हमने नहज दिनों में भेजी। इसका मतलब साद और नहज, ये तो है। अब सवाल ये आता है कि इन दिनों में क्या करें। अक्सर देखा होगा यार, वो बच्चे को कारोबार कराया वो नहीं चला, फैक्ट्री लगाई वो नहीं चली, ब्यूटी पार्लर खोला वो नहीं चला, कोई भी काम कह लें किसी भी किस्म का, कि उसमें वो नहीं है कि ये छोटा काम या बड़ा काम, काम काम होता है, छोटा हो बड़ा हो कुछ नहीं होता इससे। तो कहने का मकसद ये है कि वो क्यों नहीं चला। मेहनत तो आपने बहुत की उस पर, अच्छी खासी की, पैसा भी लगाया, मगर चला नहीं। क्यों? कि वो अच्छे डे पे स्टार्ट नहीं हुआ। अगर आप इस साइंस को, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएँ तो फिर आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद ही यह है बताने का कि मैं आपको अच्छी डेट्स बताया करूं। मैंने हमेशा सोचा है कि जो मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं उनको मैं एक थोड़ा सा अलग लेके चलूं। मतलब वही नहीं कि जी इस हफ़्ते क्या होगा, इस हफ़्ते बुर्ज सरदान का ही होगा सर। ये तो मैं 2004 से कर रहा हूं, ठीक है ना। इंसान को आगे हमेशा अपने आगे से आगे की रहनी चाहिए। रिसर्च वाले जो लोग होते हैं ना, वो एक जगह स्टैगनेंट नहीं होकर खड़े होते, पूरे महीने का, एक हफ्ते का नहीं, ठीक है। वो भी बताना चाहिए, वो भी एक लोगों को शौक होता है, मगर आप बेसिक पे जाएं कि आपके क्या वजह है कि आप, इवन के आपकी गवर्नमेंट ख़राब चली, आप संभाल नहीं पाए, जॉब आपकी चली, अच्छी जॉब मिली मगर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, आपको एक ओहदे पे तरक्की हुई उसके बाद वापस आपको बुला लिया गया वहाँ से, अच्छी जगह ट्रांसफ़र हुई मगर आप वहाँ पर गलत दिन पर ज्वाइनिंग देने पे आपने सारा अपना करियर ख़राब कर लिया। आप बाहर गए, जिस दिन आपने ट्रैवल कर लिया वही दिन आपका ख़राब था, आप उधर एयरपोर्ट पर उतरे और अगले दिन से परेशानियाँ शुरू। शादी की, उसमें मसले मसाइल आ गए, कोई ना कोई एक इशू। तो वो सारे जो इशूज़ हैं वो इससे रिलेटेड हैं। तो अब मैंने आपको जो डेट्स बताई हैं, आप उन डेटों पे करें अमल, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।